कोशिश करनी चाहिए। मुल्क की आप अक्सरियत हैं, बशर्ते के सब मिलकर के कोशिश। आपको बांट दिया गया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है, आपको एक जगह जमा नहीं होने दिया जाता, और मुट्ठी भर लोग वो आपके ऊपर हुकूमत करते, छोटी सी मिनट और मजार्टी को तकसीम करते। आप एक जगह इकट्ठे हो और इंसाफ कानून भलाई सबके साथ अच्छा सुनो और इंसाफ मिले उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए। इसी वास्ते आपको ये इजलास मुनक्किद किया। आप रात बात को समझें और इस जुल्म को दूर करने की कोशिश करें और अपनी अपनी जगह मिलने के बजाय सब मजलूम इकट्ठे हों और जालिमों से इस 50 बरस के अंदर जो मजालिम हुए हैं उससे नजात हासिल कर लें। इसलिए आप रात को इस तरह तवज्जो करनी चाहिए और अकलियतों को, कमजोरों को, मजलूमों को जमा होकर अच्छे उसूलों पर इस मुल्क को तरक्की देने की कोशिश करनी चाहिए और सिविल वार से बचाना चाहिए। अगर आप लोग गफलत बरतेंगे तो ये मुल्क तबाह कर दिया जाएगा। इसलिए आप गुजरात में 51,000 एकड़ खड़ी फसल जमा, क्या वो हिंदुस्तान का माल नहीं था? और जो लोग कत्ल किए गए वो हिंदुस्तानी नहीं थे? जिनके घर तोड़े फोड़े जलाए गए वो इंडिया की दौलत नहीं थी? फैक्ट्रियां लूटी गई, गाड़ियां जलाई गई, ट्रक जलाए गए, वो हिंदुस्तान का सरमाया नहीं था? और इनको जलाने वाले वो एंटी इंडिया नहीं थे, दुश्मन नहीं थे, गद्दार नहीं थे? और वो हुकूमत जो उन गद्दारों को पाल रही थी वो गद्दार हुकूमत नहीं थी, उसके दुश्मन हुकूमत नहीं थी? इसलिए बड़ा होना चाहिए, उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस वास्ते हमारी ये दरख्वास्त है कि सब हजरात को सोच समझ कर इसके लिए कोशिश आजम करना चाहिए और अल्लाह के भरोसे पर खड़ा होना चाहिए। मुल्क को सही से मजबूत और पुरअमन, इंसाफ कानून जमहूरियत वाला मुल्क बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, सही फैसले, सही इस्तेखामत और सही अज़्म हौसले के साथ चलने और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आखिर